नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्येंदु मंडोल, मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को स्वागत करता हूँ। मैं कल के लिए मतलब 7 नवंबर 2019 के लिए मैंने ये स्टॉक्स चुना है। आप लोग जानते हैं मैंने जो बाय सेल सिग्नल कम स्किनर बनाया इसमें एक्सेल फाइल में, तो उसी का थ्रू में मैंने स्क्रीनिंग करके ये स्टॉक्स चुना है। उसका बाय सेल रिकमेंडेशन आप लोग को दिखाऊंगा। तो इसमें ये स्टॉक्स चुने का वेरियस पैरामीटर्स हैं, वोलेटिलिटी, डिलीवरी परसेंटेज, प्राइस चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, टिपिकल प्राइस और कुछ इंडिकेटर भी मैंने इधर लगाया है उसका कैलकुलेशन करके। तो ये सब करके मैंने स्टॉक चुनता हूँ। तो आप लोग को जो लोग मेरा पेड सर्विस लेंगे और मेरा जो पेड ग्रुप में ज्वाइन करेंगे, तो इन लोग आप लोग को ये पूरा फाइल एंड ऑफ द डे और लाइव मार्केट में टाइम टू टाइम अपडेट मिल जाएगा, पूरा फाइल ही मिल जाएगा। और इसमें 150 FNO स्टॉक्स जो है उसका लेवल रहता है, फ्यूचर्स का लेवल रहता है, कमोडिटी का लेवल रहता है, बैंक निफ्टी का इंडेक्स और फ्यूचर्स का लेवल रहता है। मेरा पेड ग्रुप में ज्वाइन करेंगे तो आप लोग को ये मिल सकता है। और अच्छा, मैं ये कल के लिए ये इसका जो बाई सेल लेवल है, बाई का एंट्री लेवल बीच में रहेगा। सोच लीजिए 2007.20 में क्लोज हुआ है, लेकिन बाई का एंट्री लेवल इधर दूसरे 6.55 दिख रहा है। तो आप लोगों को ये टारगेट 1 से इसको पकड़ना है। तो जिस लेवल पे रहेगा उस लेवल का जो मार्केट ओपन होने के बाद जिस लेवल पे रहेगा उस लेवल को आप लोग को देख लेना है, एसेस कर लेना है, समझ लेना है कि कौन सा लेवल पे है। टारगेट 1 के, टारगेट 4 के, 2 के बीच में आया कि टारगेट 3 के बीच में आया, टारगेट 4 या टारगेट 5 के बीच में आया, तो उस इसी का हिसाब से आप लोग को ट्रेड करना है। सोच लीजिए टारगेट 1 से और टारगेट 2 के बीच में आए, तो टारगेट 2 का आप लोग का एंट्री लेवल होगा। टारगेट 2 का टारगेट 3 के बीच में आए, तो टारगेट 3 आप लोग का एंट्री लेवल है, और टारगेट 4 आप लोग का टारगेट होगा और टारगेट 2 आप लोग का स्टॉप लॉस होगा। ऐसे करके आप लोग को ट्रेड लेना है। तो भाई टारगेट 1 का टारगेट 1 से टारगेट 4 बाएं तरफ रहता है, टारगेट 5 से लेके टारगेट 8 आप लोगों को दाएं तरफ मिलेगा। और सेल का भी ऐसा है, सेल बिलो लेवल बीच में रहेगा, टारगेट 1 से टारगेट 4 बाएं तरफ और टारगेट 5 से लेके टारगेट 8 दाएं तरफ। इसमें सभी में आप लोगों को ये गैप मैंने जो रूल्स बोला कि कौन सा लेवल पे है वो देखना है, और वो देखने के बाद जो हायर लेवल पे है और बाई का केस में हायर लेवल देखना का एंट्री लेवल बनेगा, और सेल का लेवल में लोअर लेवल एंट्री लेवल बनेगा। और टारगेट 1 से टारगेट 4 बाएं तरफ, टारगेट 5 से लेकर टारगेट 8 दाएं तरफ। अच्छा, वो तो एक सेट गया, दूसरा सेट ए भी आप लोग यूज़ कर सकता है। बाई ये स्ट्रेट है, इसमें कोई एक ही मतलब सब्सिक्वेंटली जो रहता है। और एक सेट दिखाता हूँ, उसको भी आप लोग बाई का एंट्री लेवल और बाई सेल लेवल मान के आप लोग ट्रेड कर सकता है। ये फिबोनाची लेवल है, R1, R2, R3, R4, R5 ये रेजिस्टेंस है, और S1, S2, S3, S4, S5 ये सपोर्ट लेवल है। ये इधर भी आप लोग को देख लेना है कौन सा लेवल पे है, उसके बाद नेक्स्ट लेवल आप लोग को नेक्स्ट लेवल पे एंट्री लेना है, और उसके बाद नेक्स्ट लेवल आप लोग को टारगेट है, और पीछे वाला लेवल ये आप लोग को स्टॉप लॉस रहेगा। और ये पिवट पॉइंट है, ये भी आप लोग देख सकते हैं। मैं बैंक निफ्टी और निफ्टी का फ्यूचर्स दिखाता हूँ। सभी में जो रूल्स बताया उसको करके आप लोग देख लेना, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा।